जिंदगी में हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां सब दूर हो जाएं और हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाए। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो में मैसेज शेयर कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इतना इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आपको रोजाना देखना चाहिए, और अगर रोजाना ना भी देख पाएं, जब भी किसी मुसीबत में, परेशानी में आप फंसे हों, ये वीडियो जरूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए नहीं कि ये वीडियो मैंने बनाया, लेकिन इसलिए कि इसमें मैं अल्लाह सुभान तआला के कलाम में से कोई ऐसी आयात आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में अक्सर लोग गाफिल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहला सवाल आज का ये है कि असल में हम खुशी किस चीज़ को कहते हैं। इसके बारे में सोशल साइंटिस्ट ने काफ़ी डिबेट की कि असल में खुशी होती क्या है, लेकिन अगर उस पूरी बहस का अगर आप समराइजेशन देखना चाहें तो वो ये है कि खुशी कहते हैं जब कोई भी काम आपकी मर्जी के मुताबिक होता है तो इंसान को खुशी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, वहाँ पे दाखिला हो गया, वो खुश हो गया। वो रात को चॉकलेट खाना चाहता था, माँ ने चॉकलेट दे दी, वो खुश हो गया। फ्यूचर में जाके जहाँ वो शादी करना चाहता था वहाँ उसकी शादी हो गई तो वो खुश हो गया। जिस जगह पर नौकरी करना चाहता था वहाँ नौकरी मिल गई तो वो खुश हो गया। यानी कि जब चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं तो हमें खुशी मिल जाती है, और जब हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी में सारे काम जो होंगे वो आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे? अल्लाह सुभान व तआला सूरह यूनस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 62 में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, उनकी दो खसूसियात हैं जिनका जिक्र अल्लाह सुभान व तआला कर रहे हैं। यानी कि एक तो कहा गया कि ला खौफुन अलैहिम, कि उनको खौफ नहीं होता, और दूसरा उनको गम नहीं होता। तो याद रखिए एक बात कि खौफ हमेशा फ्यूचर की चीज़ों का होता है और गम हमेशा पास्ट की चीज़ों का होता है। यानी खौफ हमेशा उस चीज़ का होता है जो अभी हुई नहीं होती। मसलन मुझे एक जंगली जानवर काट जाएगा, मुझे खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाएगा, मैं इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ये सारे खौफ हैं जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। और इसी तरह से गम जब इंसान को होता है तो वो हमेशा किसी पास्ट की चीज़ या माजी की चीज़ के बारे में होता है। मसलन, काश के मैंने पढ़ लिया होता तो आज फेल ना होता, काश के मैंने यूं कर लिया होता, काश के मैंने वूं कर लिया होता। यानी इंसान जब भी गम की हालत में होता है तो गम हमेशा गुजरी हुई बात पर किया जाता है, और जब भी इंसान खौफजदा होता है तो वह हमेशा किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में खौफजदा हो रहा होता है। तो अल्लाह सुभान तआला ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप वाकई में अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला अल अलीम भी है और अल हकीम भी है। अल अलीम का मतलब यह है सबसे ज़्यादा इल्म वाला अल्लाह है, अल हकीम का मतलब यह है सबसे ज़्यादा हिकमत वाला अल्लाह है। यानी अल्लाह ताला हमारे से इल्म में भी ज़्यादा है, हमारे से समझ में भी, हमारे से विजडम में भी ज़्यादा है, और हमें शायद किसी भी तस्वीर का एक छोटा सा पिक्सल नज़र आ रहा होता है और अल्लाह ताला को पूरी तस्वीर नज़र आ रही होती है। हम अपनी लिमिटेड सोच के अंदर अक्सर औकात मसलों को समझ नहीं पाते, जैसा कि सूरह अल-बकरा के अंदर भी सूरह नंबर 2 आयत नंबर 216 में अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, तुम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि तुम जिस चीज़ को बुरा समझते हो असल में वो तुम्हारे लिए बुरी ना हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है कि अल्लाह मुझसे ज़्यादा जानता है, अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है, अल्लाह की हिकमत मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी की बात नहीं करता, वो अल्लाह की मर्ज़ी की बात करता है। इसीलिए सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये कहा करते थे कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है कि पहले तो जो मर्ज़ी थी वो हमारी थी लेकिन अब जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, और यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी से बेहतर है। अल्लाह आपको आपकी माँ से भी ज़्यादा चाहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपके साथ कोई ऐसा मामला करे जो आपके लिए बुरा है? मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि जब मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाना शुरू किया तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया जहाँ पे मेरा बहुत दिल था, और मैंने बड़ी मेहनत भी की, मैंने दुआएं भी बहुत मांगी लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ। पहले एक यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया, फिर दूसरी के लिए ट्राई किया, दोनों में नहीं हुआ, और आप यकीन करें मैं इतना डेवस्टेट हुआ, मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं अल्लाह ताला से नाऊज़ुबिल्लाह कोई नाराज़ हो गया, और मैं ये सोचने लग पड़ा कि अल्लाह मतलब तेरा इतनी बड़ी तेरी कायनात है, इतना बड़ा तेरा कब्ज़ा कुदरत है, और उसमें अगर एक मिस्कीन मेरे जैसा इस यूनिवर्सिटी में चला जाता तो उसमें क्या कमी आ जानी थी। यानी कि अगर मेरे जैसा एक मिस्कीन इंसान उस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता तो आखिर इसमें क्या ही हर्ज था। लेकिन आप यकीन करें कई सालों के बाद मुझे समझ में आया कि उसकी हिकमत क्या थी।
میں ان یونیورسٹیز میں ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں گیا لیکن بار بار ان یونیورسٹیز میں ایز اے ٹیچر ضرور گیا، لیکچرز دینے کے لیے، ٹاکس دینے کے لیے، ورک شاپس کرانے کے لیے، اور جس شان و شوکت کے ساتھ میں وہاں پہ گیا اور جس پروٹوکول کے ساتھ گیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اس کا ڈیزرونگ تو نہیں تھا، لیکن میں نے بعد میں جب اس کے بارے میں غور کیا اور سوچا تو یہ خیال آیا کہ واقعی میں میں اس ٹائم پہ جو سوچتا تھا اللہ کا پلان میرے پلان سے کروڑوں گنا بہتر تھا۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرا پاؤں جو ہے وہ چار جگہ سے ٹوٹ گیا، اور وہ اسی طرح سے میں سوچتا تھا اس کے بارے میں کہ آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مطلب نارمل میری روٹین چل رہی ہے، لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ جو میرا پاؤں ٹوٹا ہے کیا یہ ضروری تھا، کیا یہ ضروری تھا کہ یہ واقعہ پیش آتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ اس پاؤں ٹوٹنے کی وجہ سے دو مہینے میں جب بیڈ ریسٹ پہ گیا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ الحمدللہ میرے نالج میں اضافہ ہوا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے لیے ادروائز کرنا پاسبل نہیں تھا۔ سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ دو مہینے جو تھے میرے بیڈ ریسٹ پہ، دے ور سم آف دا بیسٹ منتھس آف مائی لائف۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جی سی ایس ایس کا امتحان دیا، نہیں ہو سکا، کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو سک رہی وہاں پہ، کہیں اور ہم نے بزنس میں انویسٹ کیا، بات نہیں بنی، تو ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا آخر کیوں ہے۔ کبھی کبھار اولاد کے معاملے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے میں تو بیٹے چاہتا تھا، اللہ مجھے بیٹیاں کیوں دے رہا ہے، یا میں اولاد چاہتا تھا، مجھے اولاد کیوں نہیں مل رہی۔ آپ یقین کریں گے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے بزنس سے آغاز کیا اور 10-15-20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتا، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں۔ سو آپ اپنے طور پہ پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں، اگر تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ چاہا تو یہ بات جان لیں کہ جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اگلی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سناتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ ان آیات کو سمجھ جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، نہ فیوچر کے بارے میں ان کو ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا، نہ پاسٹ کا غم ہوتا ہے کیونکہ وہ پاسٹ کے بارے میں اگر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے توبہ کر کے آگے آپ جا چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیاں دیتا ہے۔ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بات واضح ہوگی ہوگی، اور اب پریشانی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ ٹینشن تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، لیکن جو اللہ کا دوست ہے اس کو کیا خوف، اس کو کیا غم۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ زیاؤلک سائننگ آف، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔